दोस्तों, जब भी आप जीनियस वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जरूर आपके दिमाग में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला, एलन मस्क जैसे लोगों का ख्याल आता होगा। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पर लाए हैं। वीडियो में हम बताएंगे कि एक जीनियस में कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि ये क्वालिटीज आप में मौजूद हैं या नहीं। अगर ये क्वालिटीज आप में मौजूद हैं तो आप भी जीनियस हैं, और अगर आप में ये क्वालिटीज मौजूद नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप भी इन क्वालिटीज को अपना सकते हैं और जीनियस बन सकते हैं। मेरा नाम है शान अली और आप देख रहे हैं सोना टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो का काम डाउन। नंबर वन पर है हमारे पास हैविंग डार्क लुनोला। इस लफ्ज का मतलब है कि अंगूठे पर पाए जाने वाला सफेद चांद। रिसर्चर्स का मानना है कि 99% जीनियस लोगों का ये अंगूठे पर निशान जरूर होता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपके अंगूठे पर ये निशान मौजूद है या नहीं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कितने जीनियस हमारी वीडियोस देखते हैं। नंबर टू पर है हमारे पास लेस सोशल। रिसर्चर्स का मानना है कि एक जीनियस इंसान वो होता है जो कि सोशल मीडिया की दुनिया से दूर रहता है। कहा जाता है कि जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हैं वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो हर वक्त अपने फ्रेंड्स और सोशल नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। जो लोग सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं उनका डिस्ट्रैक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनका ध्यान दुनिया से हटकर सोशल मीडिया पर ज्यादा होता है। जबकि एक जीनियस इंसान ऐसा नहीं करता, वो सोशल मीडिया की दुनिया से दूर रह के अपनी रियल लाइफ पर फोकस करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सोशल मीडिया की दुनिया से दूर रहकर आप जीनियस बन सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी रियल लाइफ को दें। नंबर थ्री पर है हमारे पास अ नाइट ऑल। दोस्तों, क्या आपको भी रात देर तक काम करने की आदत है? आपको देर तक काम करना अच्छा लगता है, जैसे कि स्टडीज या फिर लर्निंग का काम? तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी एक जीनियस हैं, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि जो लोग रात देर तक काम करते हैं या स्टडी करते हैं या लर्निंग करते हैं वो एक जीनियस इंसान होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग दिन की निस्बत रात को ज्यादा स्मूथ तरीके से चलता है। नंबर फोर पर है हमारे पास नॉलेज हंगरी। एक जीनियस इंसान हमेशा इलम का भूखा होता है। उसकी कोशिश होती है कि कहीं से भी इलम मिले और वो उसको बिटोर ले। एक जीनियस की निशानी है कि वो कभी भी अपने खाली टाइम को जाया नहीं करता, वो अपने टाइम को इनोवेटिव करने में ही मसरूफ रहता है। दोस्तों, अगर आप भी जीनियस बनना चाहते हैं तो कोई ना कोई काम करते रहा करें, बल्कि इलम हासिल करने के ये आपको फ्री नहीं रहना। नंबर फाइव पर है हमारे पास लेजी। ऐसे इंसान को किसी के साथ बात करना, खेलना और काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसे किसी दूसरे कामों में मजा ही नहीं आता। उन्हें इन कामों से बहुत टायर्डनेस महसूस होती है और वो लेजी बन जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि जो लेजी होते हैं वो ही ज्यादा जीनियस होते हैं। ये लोग वही काम ज्यादा एक्टिव तरीके से करते हैं जो इनका दिल करता है। अगर एक दफा इनके दिल में कोई काम आ गया तो उस काम को करके ही रहते हैं। अगर आप में भी लेजीनेस पाई जाती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी एक जीनियस इंसान हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिसने अभी तक हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि रोज इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।